प्रस्तुत फिल्म पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखे गए महाकाव्य पद्मावत से प्रेरित है, जिसे प्रचलित रूप से काल्पनिक माना जाता है। फिल्म में दर्शाए गए सभी स्थल, किरदार, घटनाएं, जगह, भाषाएं, नृत्य, पहनावे इत्यादि ऐतिहासिक रूप से सटीक या वास्तविक होने का कोई दावा नहीं करते। हम किसी भी सूरत में किसी भी इंसान, समुदाय, समाज, उनकी संस्कृति, रीति रिवाजों, उनकी मान्यताओं, परंपराओं या उनकी भावनाओं को हानि पहुंचाना या उनकी उपेक्षा करना नहीं चाहते। इस फिल्म का उद्देश्य सती या ऐसी किसी भी प्रथा को बढ़ावा देना नहीं है।
ये देखिए खिलजियों के सरदार, समझ नहीं आता ये दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं। शरीफ पाशा, ये हमें लेने आए हैं। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दें। या खुदा, तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं, सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है जी। कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे, कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। कौन है ये गुस्ताख? क्या उठा कर लिया है? चाचा जान, आप ही ने तो कहा था लाने। अब हम पर यह वक्त आ गया है कि हम इनसे शुतुरमुर लाने की फरमाइश करेंगे। हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोलता। चाचा जान, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपने एक पर मांगा, हम पूरा शुतुरमुर्ग ले आए। पर? हाँ, याद आया, याद आया। शहजादी मेहरू के लिए। ओ, मेहरू के लिए। मेहरू बेटे, मेहरू बेटे, मेहरू बेटे। जी अबू जान। देखो हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। शुतुरमुर्ग, हमारी जान आप पर कुर्बान अबू जान। हमारी भी। तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। क्या चाहिए बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी, अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिनते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। हमारे दामाद इस महफिल से गैर मौजूद क्यों है? उनसे कही हमने तलब किया है। जी अभी बुलाते हैं। अलाउद्दीन, 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 आज तो तुम्हारी निकाह की रात है, कम से कम आज तो अपने आप को रोक ले। सरदार को पता चलेगा तो तेरा सर काट के रख देगा। बताएगा कौन? तुम नहीं बताओगे शरीफ पाशा, तुम तुम्हारे बचपन के यार हो, तुम्हारी जान हो, तुम कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। Malang mani, oh shah mani, malang mani,
उस रात अलाउद्दीन का वहशीपन देख दोनों कांप उठे थे, धरती पर मेहरुन्निसा और आसमान में चांद। हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन बेखबर था कि वहां से हजारों मील दूर समंदर के उस पार इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती थी सिंघल की राजकुमारी। सही निशाने पर लगा आपका। वर्धन, आप सब यहाँ इस समय, बात क्या है? आज ही महल में मेहमान आए थे, मेवाड़ के रावल रतन सिंह जी। आते ही शिकार पर निकल गए, फिर वापस महल नहीं लौटे। महाराज ने उनको ढूंढने का आदेश दिया है। महाराज से कहना वो सुरक्षित है, गुफा में विश्राम कर रहे। जी चलो चलो चलो। उन मोतियों का मोह जानते हैं आप? इतने ही खुश हो गए थे तो दो चार गांव लिख देते। वो हार देने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती है? यही कि हमें वो हार वापस चाहिए। ब्याह में दामाद का मान समझकर आपको भेंट किया था और आपने उसे इस तरह लुटा दिया। आप चिंता ना करें, हम वैसा ही हार बनवा देंगे आपके लिए। तो क्या आप समुंदर पार जाएंगे वो मोती लाने? सिंघल के मोती थे, अब ना कभी वैसे मोती आएंगे ना वैसा हार बनेगा। क्षमा मांगने आई है, कमाल की शिकारी हैं आप। हिरन की जगह इस शिकारी को भी घायल कर दिया आपने। पहले तीर से घायल किया और अब तेवर से। माना कि वो हादसा था, पर कुछ हादसे बहुत खूबसूरत होते हैं आपके सिंघल की तरह, जहां देखो वहां आंखें अटक जाती हैं। वैसे हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, पर आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते।
मेवाड़ के महारावल रतन से। कैसे जाना आपने? हमारे मेहमान जो है। अच्छा स्वागत किया आपने अपने मेहमान का। मेवाड़ छोड़कर सिंघल में क्यों? मोती खरीद। यहाँ मोती बिकते नहीं, किस्मत से मिलते। जैसे आप मिल गई, कुछ बताइए अपने बारे में, कौन है आप, क्या नाम है आपका? यहाँ का पत्ता पत्ता हमारा नाम जानता, पूछ ले। सिंघल की राजकुमारी है वो पद्मावती, पिछले दो दिन से आपकी सेवा कर रही है। पद्मावती, क्षमा मांगते रतन सिंह जी, सिंघल में आपका ठीक से स्वागत तो कर नहीं पाए और आते ही पद्मावती ने आपको घायल कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारी बेटी से। भूल हमारी थी गंधर्व सिंह जी, पद्मावती की नहीं। शिकार करते हुए हमारी नजर उन पर पड़ी, हम ही दबे पांव उनके पीछे पीछे गए और तीर भी हमें ही लग गया। चलिए हम आपको लेने आए हैं, वापस महल में पधारें। महलों में तो बहुत रह लिए, यहाँ की सादगी हमें बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ दिन यहीं रहना चाहेंगे। रतन सिंह जी, मेहमान बनकर आप आए थे यहाँ, अब लगने लग रहा है हमारे परिवार का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि आप सिंघल से मोती लेकर जाएं, गांव नहीं। सिंघल के मोती वैसे ही है जैसे आप ढूंढ रहे थे? क्या सोच रहे हैं, मोती मिल गए तो अब वापस मेवाड़ चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। कैसे जाओ? हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। राजकुमारी पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सिंह का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया और दोनों चित्तौड़ की ओर चल पड़े। बोलो महारानी पद्मावती की, महाराजा रतन सिंह की, महारानी।
जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्ताने हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्ताने हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्ताने हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी। ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। जैसे ताकतवर दुश्मन पर फतेह हासिल कर अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत का दिल जीत लिया था, और दूसरी ओर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ को अपना बना लिया था। सूरज भाई सा, संभल के, थारे घूमरे दिन गए, कमर में लचक आ जाएगी। अब तो रानी सा करेगी घूमर कल गौरी पूजा के बाद। छोटी रानी सा, घूमर रो रंग चोखो जमना चाहिए। रंग तो जमेगा ही सूरज भाई सा, क्योंकि कल ढोल हम बजाएंगे। अंदाता हुकुम। कौन भाई सा, फिर बोलो तारो बड़ बोलो बेटो बीच में। ढोल बजाना तो दूर की बात बादल, घूमर बखत रानी वास में हुकुम रे सिवा कोई मत आ भी नहीं सकता। छोरा, तू अपने ब्याह में जी भर के ढोल बजा लीजिए। रावल साहब पधार रहे हैं। सब मिलके नई दुल्हन को सता रहे हैं। राजगुरु शिवालय में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। पधारो हुकुम। पद्मावती, आप हैं मेवाड़ के मार्गदर्शक और हमारे राजगुरु आचार्य राघव चेतन जी। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देते हैं। हमारी राजनीति भी इन्हीं की देन है। आशीर्वाद लीजिए।
अलौकिक सौंदर्य है आपका। सौंदर्य ही नहीं, गुण और समझ की भी धनी है हमारी रानी सा। तो छोटी रानी सा के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभालिए रानी सा, आपकी परीक्षा हो रही है, बताइए रूप या गुण? गुण। और रूप? वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात? किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन तीन शब्दों में, अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? ब्रह्म। सुना है युद्ध नीति की भी जानकार है। जी। रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत। जीवन में सबसे कठिन घड़ी? परीक्षा के बाद परिणाम की। और सबसे बड़ी भेंट? आशीर्वाद। आइए रानी सा।
किस्मत देखी हमारी, गए थे सिंगल मोती लेने और आप हाथ लग गई। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और शेर गले पड़ गए। हम आपको सिंगल का हर सुख देना चाहते हैं, बस एक चीज नहीं दे सकते। इस रण में हम आपको समंदर नहीं दे सकते। वो भी तो है आप प्रियंका। रे रे रे, मेवाड़ी रंग चढ़वा ला गया है ज़बान पर, दिल पे चढ़ गया। ज़बान क्या चीज है, क्या हुआ? ऐसे लगा कोई हमें देख रहा है। चांद होगा, आपकी तारीफ से जल रहा होगा। चंदन की खुशबू आ रही और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगाता है। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है? ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही होगा। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी है। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? जब रावल अपनी रानी सा के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने? मनगढ़ंत प्रमाण क्या है? सुजान सिंह हुकुम। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ है। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी सा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट, हमने अपमान की आग, लेकिन इस आग में जलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह हुकुम। इस मिट्टी से दूर, लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं, एक विचार था जो हवा में विलीन हो गया। बड़े
बड़े अब्बू आपने अलाउद्दीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इताद बेटे ने सही कहा, अलाउद्दीन न जाने कब आपसे बगावत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अबू हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी। चिताई गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं। देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे। वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, कायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। मरहबा। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तकबाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब है, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम। खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक कफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, इत्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों? अरे भाई, ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब करो। ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार। चाचा जान, हमारी जान। Thank you.
तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी था? इतनी सफाकी से हमारे बड़े अब्बू का कत्ल करने के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरू? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। इतिहास बेटे जान, सल्तनत को नए खून नए सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके आवाम को खुश रख सके, इसलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया। अब मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। सुल्तान बन गए। ये वही नया पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। ये दस्तूर है हर सल्तनत का। एक और दस्तूर है सुल्तान की खिदमत में तस्लीम पेश करने का। खड़े होकर सुल्तान की अजमत कायम रहे। लेकिन ये मायूसी क्यों? आज तुम मेहरुन्निसा से मलिकाए जहां बन गई और तुम्हारा शौहर देखो। क्या देखें? ये ताज कई बार देखा है हमने हमारे अब्बू जान के सर पर। ये ताज है ही बेवफा, सर बदलता रहता है। कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। आओ इस अजीम खुशी के मौके पर अपने सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो। करो दे रही है तुम्हें या सिर्फ हम सुन रहे हैं? सुनाई दे रही है। कौन है ये जो बेवक्त बांसुरी बजा रहा है? आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं नहीं, नायाब है इसके सुर। से कल पेश किया जाए। जी हुजूर। और कोई खिदमत? दुनिया की हर नायाब चीज छीन सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। अफसोस। क्या नाम बताया तुमने? राघव चेतन। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, आज से तुम हमारे दरबार की शान हो। क्या देख रहे हो? आपका अतीत, शतुरमुर्ग के पंख जिसमें खून लगा है, लाल लाल पत्थर जो चढ़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया पे राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप।
पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होगी। वो क्या? वो साक्षात माया है, चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है, वो घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है, परछाई भी देख लो तो पानी को जी जाए। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती। मेवाड़ के महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावतनामा। आप अपने खानदान के साथ आएं, हमारे हाथों से दो निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ सिकंदर सानी की तलवार के साए में महफूज रहे। आपका खैरंदेश सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से पढ़िए। सुल्तान हिंद की तरफ से आप कह दीजिए, अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साए के बिना ही महफूज हैं। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। तो उठाओ फौज और कर दो एलाने जंग। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक कफूर, मलिका जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? हैरत की बात है, सिकंदर सानिया बेग औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैला दे। एक जंग हुस्न के नाम। बात है तेजवीर, सवेरे सवेरे सीमा छोड़कर अचानक गढ़ पर क्यों आ गए? संदेश लाया हूं, दिल्ली रो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेके चित्तौड़ पे हमला करने आ रही है। शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं हम उनका स्वागत राजपूती घाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है। डरने की कोई बात नहीं है, तलेथी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें, यही मौका है।
अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। तो ये जंग जायज हो गई। बेशक सुल्तान। सिपहसालार खान, क्या ख्याल है? भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। परोला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही, नाप लेते हैं राजपूतों की औकात। चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही। हुकुम, आदेश हो तो वहीं गिरा दें। आने दो उन्हें। सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था उलुग खान। सावधान कर तो पूरी कायनात को। ये राजपूतों के सूरज पर खिलजियों के चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रोकेंगी? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई। तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं, हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा, खाना हाजिर कह रहे। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ रहे सामने पूरी दिल्ली बसा दी। हुकुम, ये युद्ध नीति है उसकी, अपनी ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल तोड़ो। गोरा सिंह जी, दीपावली कब है? हुकुम, अगला हफ्ता। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई वो हमारी खुशी देख कर ही हार जाए। हुकुम।
बड़ी रानी साहब यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर, यहाँ शत्रु घेरा डालकर बैठा है और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रही हैं? यूं समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है, ना जा सकता है ना भीतर आ सकता है, बस पहरा दे सकता है। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज हैं। जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं, हम उसे सजा दे रहे हैं। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं मसरूफ। लेकिन हुजूर, ये सब पन्ने तो आपके हम तक चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। उलग खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी। आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब होगा सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान, हम ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के, सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही हैं। लेकिन जंग तो जारी है, उनकी भूख प्यास और हमारे सब्र के बीच। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना होगा, खुश रखो उन्हें, दिल बहलाओ उनका। कुश्ती का ऐलान कर दो, हम भी खेलने आएंगे कल। शाम को कुश्ती और रात में रवाब और शवाब। फौज को जोश में रखने के लिए ये आपका अंदाज बहुत खूब है। लेकिन सोचने वाली बात है, आज 2 महीने हो गए सुल्तान, हम दिल्ली से दूर हैं। लेकिन पद्मावती के तो बहुत करीब है। बिंदे दिल मिसरिया में मिस्र की हसीनाओं की तरह यहाँ भी एक मलिकाए हुस्न का दिल धड़कता है। خدمت عالی جناب پیش ہے کل شباب خدمت عالی جناب آتش قدا داؤں سے آتش قدا داؤں سے جل اٹھے گا آپ کے دیدائے تر کا حجاب بنت دل
غربتیں حیرت زدہ ٹھکانے لگی ہے ساری فرقتیں میں کچھ لبوں پہ آنے لگی ہے پیاسی غربتیں حیرت زدہ ٹھکانے لگی ہے ساری فرقتیں کاریزوں پہ میرے لکھ ذرا رفعتیں چاہتوں کا سلا क्या समाचार लाए सुजान सिंह कब पहुंच रही है बाकी राज्यों की सेना हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं है कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता काय करें गोरा सिंह जी युद्ध रो ऐलान कर दो गोरा सिंह जी हुकुम दोबारा सोच लीजिए हुकुम फैसला हो चुका है अब चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा राजपूतों ने सारे खेमे जला दिए जल रहे तो बुझा दो बुझ जाए तो जगा दो चलिए सुल्तान खबीस हमारे परिंदे परिंदे नायाब है उन पर आज ना मजाक मत कर सु खिलजियों का परचम बुलंद रहे फौज में बेचैनी बढ़ रही है सुल्तान आप तो जानते ही हैं सारे खेमे अनाज साजो सामान सब चलकर खत्म हो चुका है इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल है आपसे इल्तिजा है हुजूर आप फौज के साथ एक बार मिल लें फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली उला खान साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा कसम खाई थी
कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब ना उम्मीद होकर वापस जाना चाहते, भूल जाओ उस ख्वाब को। बधाई। आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं, अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है, आप चाहे होली खेलें, हम भी छोटी रानी साहब को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करें हुकुम, बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। सुल्तान, सुल्तान, भौखला गए हैं ये लोग। जहां हवा में आपका खौफ होना चाहिए, वहां ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए, इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ये संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। जी। आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। Oh,
देखिए। आप कहें तो यहीं गिरा दे बाबूजी को। आन दो इसे बादल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रो खास, उसकी बेगम ही समझिए। महारावल रतन सिंह को सुल्तान ए हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवाड़ की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया भी। वो कैसे? दो शर्तें रखी हैं हम। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा, अकेला निहत्था। अगर उसने आपकी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है वो आपकी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहां लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गुरा सिंह जी। सुल्तान रो संदेशो आयो है, उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली है। आने दो। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। मंजूर, हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए। खतरा दिल्ली के तख्त पर भी मंडरा रहा है। इताहत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत और तख्त के लिए हवस दिखती है। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है, बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती,
के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। हाँ हाँ रावल रतन सिंह। क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं गोरा सिंह। तो कहाँ छुपे हैं आपके रावल रतन सिंह? भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फरियाज को मैनो मदम ओए मैनो मदम। क्या बात है? माफ कीजिएगा राहुल साहब, आपको देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए, आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है आपका चित्तौड़गढ़। वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर आलीशान शान और शौकत, और एक लाजवाब दुश्मन भी। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी चाल सुल्तान। संभालिए रावल जी, आपकी रानी खतरे में है।
ये लीजिए, बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई रावल जी, हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौर और दिल्ली को सुलह करनी पड़ेगी। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही, हमारा मतलब था चित्तौर की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस भगत। अब राजा भी खतरे में है। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए रानी सा, हम आपकी ये बात कभी ना मानेंगे, गलत है ये। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है कुंवर पैसा, पर हुकुम तो। कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हम ही स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। पर आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है, जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर, मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्ते मेहमान पर हम वार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। शायद शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर, राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती, आपका यह चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा, आने वाली पीढ़ियां होंगी उठाएंगी आप। उठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हमें यह अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हुकुम पधार रहे हैं। यहीं जग को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था, आज मेवाड़ रे वास्ते आप ये कड़वा घूंट पी रही हैं। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गोरा सिंह जी, हुकुम। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार रहेगा। अपने साथ रखिए। भोजन का न्योता है, युद्ध का नहीं। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए, आपका जाना जरूरी है।
अब चाहती हैं इतिहास कहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने हत्था चित्तौड़ आया, पर रावल रतन सिंह की तलवार मयान में ही कांप गई। आपकी चिंता समझते हैं, पर वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। सुल्तान, ओह खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रोकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। यहां जी आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? बेचारे, बेचारा दिलनवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। खैर, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। दो पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुक्म। महल में पधारे हैं, बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें, एकलिंग जीरो आशीर्वाद है हुकुमरे साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब, आज तो अमावस्या है।
हुकुम। तोरा सिंह, हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली, देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया? गद्दार। एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए, अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने ये क्या दर्पण पे ये मिट्टी क्यों लगा रही हैं? जब तक रावल साहब वापस नहीं आ जाते हम अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखेंगे। पर रानी साहब, आप कुछ कहने आए थे? बड़ी रानी साहब, सब जनानियों ने बुलाया है, आपने भी। आपने हमें बुलाया? बड़ी रानी साहब, आपने हमें बुलाया? हमें दो क्षण रो तो लेने दीजिए। ना आप राजगुरु को देश निकाला देती, ना अलाउद्दीन से जा मिलते, और ना सूर्यवंशी चित्तौड़ पर यह ग्रहण लगता। अगर आज हमारे रावल साहब दुश्मन के हाथों में, तो इसमें दोष आपका है, आपके इस रूप का है। और देखने वाले की बुरी नजर का नहीं, उसकी नीयत का नहीं है? और उसकी सजा तो मेवाड़ भुगत ही रहा है, पर सजा तो आपको मिलनी चाहिए। पर हुकम, जिसका दोष ही नहीं उसे क्या सजा देंगे? जहर खिला दें, कुएं में धकेल दें, या कारावास में डाल दें? सुल्तान की शर्त मानकर पद्मावती को वहां भेज दिया जाए। बड़ी रानी साहब, एक औरत होके आप ऐसा बोल रही हैं? इन्हें वहां भेज दें, सुल्तान के हवाले कर दें? असंभव। अगर ऐसा ना हुआ तो ना रावल सा रहेंगे, ना मेवाड़। बड़ी रानी सा, जो ऐसो बुरो बखत आ भी गयो तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने घर के बाहर पग भी न थर देती थी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाए? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं, हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन,
कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा, पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है, इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। दादा हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावल साहब को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुकुम को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार, भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं, एक भाई होने के नाते। ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे पढ़ो ब्रह्मचारी जी। पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी, उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती है रानी पद्मावती? लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान, मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। अंदाता हुकुम। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है, अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने, आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी, पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एक लिंग जी की, अब से गोरा बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आपरे आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुकुम। बहुत दिनों से रावल साहब का चेहरा नहीं देखा। खली हो गया है दिल दुनिया से मेरा, खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। वाह वाह वाह। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा। वाह बहुत खूब। अब गौर फरमाइएगा खुसरो साहब, तार वार दिल के सब टूट से गए,
नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इताद खान को पसंद नहीं आई। सुल्तान, ऐसी शायरी से हमारा कोई तारुफ नहीं। क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम शायर नहीं कायर हो। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर भी लिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना? मजाक नहीं, तौहीन थी अशफाक, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब ये सुल्तान रहेंगे या हम? कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। दिल के सब टूट से गए, नीलो वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार बार दिल के सब टूट से गए, नीलो वाले जुगनू रूठ रातों से गए, तार बार दिल के सब टूट से गए, नीलो वाले जुगनू रूठ रात से गए। लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। अब सुल्तान की हालत कैसी है? अभी भी बेहोश है। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। बिल्कुल निशा।
اپنی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا جان کا قتل کیا اور ہم نے اپنے چچا جان کا, تبھی تاج خان بنے گا سلطان ہند. اندھاتا حکم, پالکیاں نکلنے کو تیار ہے, آج رات تک ہمیں. کل صبح جب خلجیوں کے سارے سینک نماز پڑھ رہے ہوں گے تب راولسا تک پہنچنا آسان ہوگا. یہ آپ کیا کر رہی ہیں رانی صاحب؟ خلجی درگ کا نقشہ. جب راجپوت کیسریا بانا پہنتا ہے تو دشمن کا آنگن لال ہو جاتا ہے. سلطان مبارک ہو. نمخول زخم سنبھالو. خوش خبری ہے, چتوڑ سے پالکیا ہماری سرحد تک پہنچ چکی ہے. کل صبح تک رانی پدماوتی آپ کے روبرو ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئی بھی تو ایسے وقت پہ جب ہم ان کا استقبال کرنے کے قابل نہیں. اطمینان رکھیے سلطان, میں خود انہیں آپ تک پہنچاتا ہوں شان و شوکت کے ساتھ. نہیں آپ نہیں, سلطان کی غیر موجودگی میں ہم ان کا استقبال کریں گے, آپ نہیں. اگر سلطان چاہے تو. ہم بھی نہیں چاہتے کہ رانی پدماوتی پر کسی اور مرد کا سایہ پڑے, یہ مناسب ہے. بہت خوب, ملکہ جہاں مہارانی جی کا استقبال کریں گے. واہ, چتوڑ کی رانی سے کہہ دیجئے کہ ملکہ ہند مہرونیسا ان کے استقبال کے لیے حاضر ہیں. نوری الہی آپ ایسی خوبصورتی تو فرشتوں کا بھی ایمان بدل دے. سلطان تو صرف انسان ہے اور گنہگار بھی. شرط کے انوسار ہم پہلے راولسا سے ملیں گے اور جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے گورا سنگھ جی اور سجان سنگھ جی ہمارے ساتھ رہیں گے. تشریف لائیے. ساری داسیاں پالکیوں سے باہر آ جائیں. Thank you.
देख। जी हुजूर। घायल दिल के अलावा हमारे और कोई घाव तो नहीं दिख रहे? ना। ख्याल रहे, जब रानी साहिबा महल में आए ना कोई सिपाही ना कोई पहरेदार। इत्मीनान रखिए हुजूर, आपकी तन्हाई बिल्कुल महफूज रहेगी। मल्लिका साहिबा तस्लीम अर्ज करती है ये हजूरिया। शत्रु के डर से मेवाड़ ने घुटने टेक दिए? नहीं। तो क्या आपने सल्तनत की शर्तें मान ली? नहीं। तो फिर आप यहां क्यों आई हैं? आपको छुड़ाने मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। हम यहां आ गए मलिका भी नहीं, रिहा कर दीजिए। यकीनन हजूरिया, सुल्तान तक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम जल्द ही रानी पद्मावती को लेकर हाजिर होंगे। जी। हमारी बात पर गौर करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आप दोनों को खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे, उस रास्ते से आप यहाँ की सरहद पार कर लीजिए। हम पर ये उपकार क्यों? हम ये एहसान आप पर नहीं, खुद पर कर रहे हैं। हम अपने सुल्तान को इस गुनाह अजीम से बचा रहे हैं। इल्ला अब और वक्त जाया ना करें, नमाज पूरी होने को है। इससे पहले सिपाही आकर आपको गिरफ्तार कर ले रानी साहिबा, आप दोनों को यहाँ से निकलना होगा। रुकिए रानी साहब, हम अलाउद्दीन से मिलकर ही जाएंगे। उसे मुलाकात करने में आपकी जान को खतरा है? खतरा तो आपको भी है। हमारा अल्लाह निगेबान, पर आपको खुदा का वास्ता, आप इस इरादे से बाज रहे। मलिका मेहरू ने सर, हम राजपूत हैं, कभी पीठ दिखा कर नहीं जाते। दरबार तक पहुंचे कैसे? कहा था हमने चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे रोक नहीं पाएगा तू। बदनसीबी देखो हमारी, जब भी हम रानी पद्मावती से मिलने के ख्वाब देखते हैं तुम सामने आ जाते हो मनोज। और बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू था ही नहीं कभी, अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। कुछ उसूल तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, इश्क और जंग में कोई उसूल नहीं होते। बिना उसूल के तेरी इस जंग को इतिहास काले अक्षरों में लिखेगा। जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, जिसे तू जला देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। जा रहे, अपना गुरूर अपनी रानी सा को साथ लेकर, तेरे ही घर से तेरे ही आंखों के सामने। बखत लगेगा तेरे इस गांव को भरने में, तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना। नाक!
सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी चलिए। आप पधारो हुकुम, हम शत्रु की सेना को यही रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी की। दिलावर, 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 किले के सारे दरवाजे बंद करवा दो। अचानक क्यों हुआ सरदार? दुश्मन किले के अंदर है, धोखा हुआ है, हमला। सुल्तान, मलिका जहां ने हमें नाकाम कर दिया। हम रतन सिंह और रानी पद्मावती को रोक नहीं पाए। हमारी हथेली में मोहब्बत की लकीर है या नहीं गफूर? बना सकते हो वो लकीर? हमारे अपनों ने ही हमें जख्मी कर दिया। इताद के कितने तीर लगे हमें? यहाँ, लेकिन तुम्हारा एक तीर लगा और वो यहाँ। बेपनाह मोहब्बत की हमने तुमसे और तुमने हमसे बेवफाई। तुमने हमसे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब छीन लिया। अब हम तुमसे तुम्हारा वजूद छीनेंगे, मलिकाए जहां का खिताब छीनेंगे, तुम्हारी जिंदगी से उजाले छीनेंगे। चित्तौड़ वापस जाने से पहले हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी दुआ। बेपनाह मोहब्बत चुकी है हमने तुमसे, तू शाद रहे, आबाद रहे,
بامراد رہے. ملک. جی حضور. اس سے پہلے کہ ہمارا قہر اسے جیتے جی دفن کر دے لے جاؤ اسے قید خانے میں. جیسے آپ کہیں. رخصت ہونے سے پہلے ہم بھی آپ کو دعا دیتے کہ آپ کا ہر خواب مکمل ہو, لیکن پدماوتی کو حاصل کرنے کا خواب کبھی پورا نہ ہو. पधार रहे हैं, सब लोग मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं. जब सभी उनका स्वागत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? उनका स्वागत और क्या. बड़ी रानी साहब, छोटी रानी साहब जो कहो ना वो करके दिखायो, और वो कोई छोटी बात नहीं. इसलिए तो कहूं कि आप भी चलो और उनका स्वागत करो. तुम कहीं नहीं जाओगी केसर, जाओ मेरे लिए सुई धागा लेकर आओ. लाओ रानी साहब, पर पहली मैं छोटी रानी सारा पग छू लूंगी. हुकुम, सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एक सावित्री थी जो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण बचा कर ले आई थी, और आज उस बात पर विश्वास भी हो गया. आज ये जय जयकार हमारे लिए नहीं, वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने व्यवहार के लिए अपने सर गंवाए, हमारी जान बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया. जब तक चित्तौड़ रहेगा गोरा बादल का नाम गूंजता रहेगा. बोलो मेवाड़ के सेनापति गोरा सिंह जी रे, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह जी रे. बधाई हो रानी माँ, हुकुम को वापस ले आई. दर्पण में फिर से चेहरा देखने का दिन आ ही गयो. अब देखना सब देवी मानकर पूजा करेंगे. बादल को बचा नहीं पाए. रणभूमि में गिरने वाले राजपूत कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं रानी माँ. मेवाड़ के लिए लड़ना हमारे बेटा रो धर्म हो, वीरगति पाई उसने, उसके लिए आंसू बहाना. आज जाना राजपूत वीर क्यों कहलाते, आप जैसे वीर माए जो उनको जनती है. आज री शाम बहुत दिनों बाद आई है, पूरा श्रृंगार करके हुक्म के सामने जाना. खुसरो दरिया प्रेम उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. वल्लाह तकदीर वाले हैं आप, जो हर जख्म को जुबा दे सकते हैं, और एक हम हैं जो घुट रहे हैं. नाकामी की सांसें अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होती. खुसरो सुल्तान, हम ऐसा क्या करें जो आपको सुकून महसूस हो. चित्तौड़ पहुंचते ही एक पैगाम लिख कर भेजिए, शायद आपके शायराना अल्फाज हमारे जज्बातों तक पहुंचा सके.
क्या लिखना है सुल्तान? यही कि हम सिर्फ एक रात तक इंतजार करेंगे, सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करो वरना हमारे कहर के लिए तैयार रहो। देख लो छोटी रानी साहब, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। अलाउद्दीन वापस आ गए हुए दिल्ली से, और इस बार दुगनी सेना लेकर। सांप की पूंछ पर पैर थड़कर आई, ये तो होना ही था। सब्र कीजिए सुल्तान, जवाब आ जाएगा। राजपूतों को सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। और कितना वक्त चाहिए? कल सुबह रानी पद्मावती पेश करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हम अभी से इंतजार करेंगे। इतनी कड़कती धूप में हमारी नजरें वो लम्हा खोना नहीं चाहती जब किले का दरवाजा खुलेगा और बाहर आएंगे तो सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। क्या हुआ? तुम्हारे हाथों में हमारी तलवार बहुत अच्छी लगती है। ये तलवार ही तो शतरानियों का सबसे कीमती गहना है, हमारा गुरूर है। गुरूर है तो फिर आंखें क्यों नम है? हमारे युद्ध से वापस ना आने का डर। डर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते हैं। जौहर का हक, आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। Thank you.
एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है एक मैं हूँ एक ईमान है दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे कुर्बान एक दिल है तू मेरा प्यार भी तू मेरी बात साथ जज्बात भी तू परवाज भी तू एहसास भी तू मेरी सांस दांस हयात भी तू मेरा राज भी तू गुमराह भी तू मेरी आस प्यास बदमाश भी तू मेरी जीत भी तू मेरी हार भी तू मेरा राज राज और मेरा आज भी तू मेरे इश्क के हर मकाम में हर सुबह में हर शाम में एक रुतबा है एक शान है दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान है एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान ये कह रहा है अलाउद्दीन ऐसा शस्त्र तो पहले कभी नहीं देखा आगे बढ़ाने का सही वक्त आ गया सुल्तान नहीं किले की दीवारें टूट रही है अब चित्तौड़ का हौसला भी टूटेगा वो आएंगे नीचे जंग के मैदान में
हुकुम, सेना दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं सुजान सिंह, हम अकेले जाएंगे। हुकुम, ये तो मैं युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे बीच ही होगा। हुजूर, अभी अकेला किस इरादे से आ रहा है? सुल्तान से जंग करने और क्या? आपके हिताम जाए? नहीं, लोहे को लोहा ही काटता है। में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडव और कौरवों के बीच, और आज राजपूत और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसर या बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार रिगुण सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने ना दिया। यह जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए सब जायज है।
दो सूलों से लड़ी होती ना होती। जंग का एक ही सूल है राहुल, जीत। हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। यह शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान, और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब हुकुम। हाँ ग्रीचू, न रोड़ने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो।
रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।